ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भाकपा माले नेता गोपाल जी के पुत्र विजय कुमार आरा सदर अस्पताल में अपना निजी एम्बुलेंस चलाया करते थे, साथ ही एक चाय की दुकान भी किए थे। घटना के बाद आज आरा शहर के शिवगंज में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग रखे हैं। भाकपा माले नेताओं का कहना है कि नीतीश सरकार में अपराधियों का बोलबाला है, बेतहाशा अपराध ग्राफ बढ़ रहा है, बेलगाम अपराधियों के मन में पुलिसिया भय खत्म हो चुका है, तभी तो सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया, मन चढ़े अपराधियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, यातायात पुलिस पर भी गोली दाग दी। हालांकि यातायात पुलिस की गोली छूते हुए निकल गया तथा कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन सरेआम भाकपा माले नेता के पुत्र की हत्या के बाद आम आवाम में अब दहशत फैल गया है। देखिए, मांग तो यह है कि पूरे बिहार में अपराधियों का माहौल बढ़ा हुआ है, लगातार बिहार में घटनाएं घट रही, आरा शहर में भी, जिले में घटनाएं घट रही है, और आरा शहर का जो सदर अस्पताल है, ये जो मेन इलाका है, शहर का पोस्ट इलाका है, यहाँ प्रशासन रहती है, बगल में टाउन थाना है, बगल में एसपी साहब का ऑफिस है, डीएम साहब का ऑफिस है, बगल में टाउन थाना है, नवादा थाना है, लेकिन इस पोस्ट इलाके में अपराधियों की इतनी हिम्मत कहाँ से हुई वो आकर किसी की हत्या कर दे। शहर में कोई सुरक्षित नहीं है, जिले में कोई सुरक्षित नहीं है, कभी किसी की हत्या हो सकती है, इसलिए हम लोगों की डिमांड है कि विजय प्रसाद के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, एक माह के अंदर में स्पिरिट ट्रायल चला करके उनको सजा दिया जाए, और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा, सरकारी नौकरी, और यहाँ जो अस्पताल के गेट है जहाँ चाय बेचते थे उस चाय के दुकान को निगम के माध्यम से बना करके वहाँ दुकान को इनके परिजन के नाम पर आवंटित किया गया। राजू यादव, केंद्रीय कमिश्नर, भाकपा माले। हमें डीएम से बात हुई, आज बात हुई, और एसपी साहब से हम लोगों ने बात किया था, और एसपी साहब के सामने दो टूक प्रस्ताव रखा था कि 7 बजे तक सभी अपराधियों को गिरफ्तार करो, की जाए के हत्या का उचित मुआवजा दो। संरक्षण, सरकारी संरक्षण।